अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं लगातार चर्चा में हैं। इसी बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गन कल्चर पर ऐसा फैसला दिया है जिस पर सब हैरानी जता रहे हैं। दरअसल मॉब फायरिंग की घटनाओं से अमेरिका में खुलेआम बंदूक लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई थी, जिसके बाद न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन बनाम ब्रुएन केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में गन लेकर चलना मौलिक अधिकार भी बता दिया है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6-3 से फैसला देते हुए न्यूयॉर्क प्रांत के कानून को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि घर के बाहर सड़कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर चलना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार इस अधिकार को नियंत्रित करने का प्रयास करती है तो यह संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन नाराज हैं। उनका कहना है कि इस फैसले पर सभी को आपत्ति होनी चाहिए। बाइडेन गन कल्चर को खत्म करना चाहते थे। उनका मत था कि या तो गन कल्चर खत्म हो या बंदूक खरीदने की उम्र 18 साल से बढ़कर 21 साल कर दी जाए। आपको बता दें कि अमेरिका में गन खरीदना फल और सब्जी खरीदने जैसा ही आसान काम है। अमेरिका में गन कल्चर का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1791 में संविधान के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिका के नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया। अमेरिका जैसे जैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया, वहाँ का गन कल्चर गन टेरर में बदल गया। अब हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे आपके सामने अमेरिका में चल रही स्थितियों की धुंधली तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर हम 2021 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अमेरिका में गन वायलेंस की घटनाएं कुछ ऐसी दिखेंगी। गन वायलेंस से 336 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मास शूटिंग के चलते लगभग 1223 लोग घायल हुए। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है और वहां के गन कल्चर पर लगाम क्यों नहीं लग पाती? इसके विशेष तौर पर कुछ प्रमुख कारण हैं। वहां के कई राष्ट्रपति और गवर्नर इसकी वकालत करते आए हैं। जिमी कार्टर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक कई राष्ट्रपति गन कल्चर की तरफदारी करते रहे हैं। गैलप की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के 91% सदस्य सख्त गन लॉ बनाने के पक्ष में थे, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी के 24% लोग ही इसके साथ खड़े थे। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से। गन बनाने वाली कंपनियां भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है। अमेरिका में 58% लोगों ने कभी न कभी गन टेरर का सामना किया है। 30 लाख बच्चे हर साल मास शूटिंग से संघर्ष करते हैं, तो वही हर दिन औसतन 100 लोग गन टेरर का शिकार बनते हैं। 2018 में भी अमेरिका में मास शूटिंग की 27 बड़ी घटनाएं हुई थी। अमेरिका में हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं। आखिर क्या है अमेरिका का गन लॉ? राइफल या छोटा हथियार खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। हैंडगन जैसे हथियार खरीदने की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। वहीं हथियार बेचने वाले की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। मानसिक रोगी, भगोड़े और जेल से रिहा लोग कभी भी हथियार नहीं खरीद सकते। अमेरिका की आज की स्थितियों को देखते हुए इस फैसले से अमेरिका का क्या फ़ायदा होता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर यह चीज़ तो साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में खुद ही ऐसी समस्या से जूझ रही है जो मानवता के लिए बड़ा ही घातक। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।